जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज यांचा अलिबाग येथे पादुका दर्शन सोहळा सामाजिक उपक्रमांतर्गत 52 विद्यार्थ्यांना होणार सायकलचे वाटप। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज दक्षिणपीठ नाणीसधाम महाराष्ट्र यांचा पादुका दर्शन सोहळा उत्तर रायगड जिल्ह्यात जेएसएम कॉलेज मैदान अलिबाग शहर तालुका अलिबाग जिल्हा रायगड या ठिकाणी शनिवार दिनांक 11 मार्च 2023 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून संपन्न होत आहे। यावेळी सामाजिक उपक्रमांतर्गत विविध कार्यक्रम पार पडणार आहेत। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या सिद्ध पादुकांसमवेत गुरुपूजनाचा उपासक दीक्षेचा प्रवचनाचा व दर्शनाचा लाभ उपस्थित भाविक भक्तांना व हितचिंतकांना मिळणार आहे। तसेच या दिवशी कार्यक्रम ठिकाणी हजारो हितचिंतक भक्त उपासक दीक्षा घेणार असून जगद्गुरु नरेंद्र महाराज संस्थांच्या सामाजिक उपक्रमांतर्गत इयत्ता 8वी ते 10वी मधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना जे रोज 4 ते 5 किलोमीटर पायी प्रवास करतात अशा 52 विद्यार्थ्यांना मोफत 52 सायकलचे वाटप करण्यात येणार आहे। अध्यात्म विज्ञान व्यवहार यांची सांगड घालून सुखी जीवन कसे जगता येईल, मानवी मनाचा विकास कसा साध्य होईल, तसेच भारतीय संस्कृतीचे जतन यावर उद्बोधक मार्गदर्शन प्रवचनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे असे स्वस्वरूप संप्रदाय जिल्हा सेवा समिती उत्तर रायगड यांनी आवाहन केले आहे। बोध ये है कि परमात्मा भी हमें ध्यान में रखता है, भगवान भी हमें ध्यान में रखता है। जैसे हम भगवान को ध्यान में रखते हैं, हम रखते हैं ना, हमने प्रभु राम जी को मन में रखा, ध्यान में रखा, इसीलिए आज हम आए। लेकिन प्रभु राम जी भी हमें ध्यान में रखते हैं। किसको प्रभु राम जी ध्यान में रखते हैं, गुरु किसको ध्यान में रखते हैं? जो सिर्फ नाम लेता है वो नहीं, जो सेवा में उतरता है। गुरु हो, प्रभु रामचंद्र जी हो, ये जो महात्मा हैं, ये जो सत्पुरुष है, ये कभी अपनी स्वार्थ की बात नहीं करते। उन्होंने एक जोखिम, उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली है इस समाज स्वास्थ्य की। और इस समाज स्वास्थ्य में जो लोग अपनी सेवाएं, अपना योगदान उनके साथ देते हैं, वो लोग सेवा करते ऐसे जाना जाता है। और ऐसे लोगों की याद स्वयं गुरु, स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा रखता है, ये ध्यान में रखिए। तो नामस्मरण तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन नामस्मरण से भी श्रेष्ठ वो बात है कि जिसका नाम ले रहे हो उसी के नाम के लिए, उसी के आदेश के लिए, उपदेश के लिए कर्तव्य करना। और इसीलिए हम जो जो भी सेवाएं अपने हाथ में लिए हैं उन सेवा को पूर्ण कीजिए, उन सेवा को कीजिए, क्योंकि उन सेवा के कारण ही हमारा उत्कर्ष होने वाला है, हमारी उन्नति होने वाली है। क्योंकि हम जो नाम लेते हैं, करोड़ों लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान उन्हीं का नाम लेते हैं जो सेवा करते हैं। कुणी फोर्स करत नाहीये, मी एकाही चक्कर शब्दाने सांगत नाहीये की तू बाबा उठलंच पाहिजेस आणि तू ऐकलंच पाहिजेस। आम्ही साधकांना शिष्यांना खुलं ठेवलेलं आहे, दररोज सकाळी 6 वाजता इच्छा असल्यास आध्यात्मिक शाळेला जॉईंट व्हा। तिथे गुरु इतकं सोपं 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 करून सांगतायत।